वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज 22 नवंबर, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। भाई मतीदास जी चौक, जो चांदनी चौक में है, ये उनकी याद में रीजन, भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी और भाई दयालाल जी कुर्बानियां, वाहेगुरु शहीदी, तीनों का शहीदी देखो किस तरीके से हुआ है, वाहेगुरु। और ये तीनों का शहीदी दशमेश पिता के पिता गुरु तेग बहादुर जी, जिनका शहीदी गुरुद्वारा शीशगंज साहिब, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। वो भी अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं, ये वही नगरी है चांदनी चौक, ये वही नगरी है जहां पे औरंगजेब का हुक्म चलता था जबरदस्ती किसी को कन्वर्ट कराना, नीच सोच रखना उसके खून में था। लेकिन जब पंडित जब आए गुरु तेग बहादुर जी के पास, जब वो अनंतपुर साहिब में थे, जब दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी कुछ 9 साल के, 9 इयर्स के थे, तब आए थे ना, नानी कहा गुरु तेग बहादुर जी उनकी समस्या हल करने के लिए, जो पंडितों का समस्या हल करने के लिए, क्योंकि ह्यूमन राइट्स के पिता है वो। ह्यूमन राइट्स जो है, जो आज के तारीख में हर कोई ह्यूमन राइट्स के ऊपर एनजीओ, ह्यूमन राइट्स, ये उनके पिता है गुरु तेग बहादुर जी, जिन्होंने दूजे कौम के लिए अपनी कुर्बानियां। औरंगजेब ने ये तीन जो है शहीदी, जो बहुत बड़ा इतिहास है सिख कौम का, लेकिन फिर भी गुरु तेग बहादुर जी का सर नहीं झुका। तो कैसे दो चार साहिबजादे, छोटे साहिबजादे अपना सर झुकाएंगे? औरंगजेब ने क्या नहीं किया, गेट तक छोटा बनाया लेकिन सर नहीं, मत्ता नहीं झुकाया। वाहेगुरु वाहेगुरु। ये वही नगरी है जहां पे इतना बड़ा इतिहास है। दरबार का चमक देखो, बस निशान साहिब को देखो, जस्ट बाजू में देखो भाई मती दास म्यूजियम भी है पूरा, इसके अंदर के लिए एक स्पेशल वीडियो। एक इंपॉर्टेंट चीज, जितना बड़ा ये दरबार उतना बड़ा एक वीडियो, ध्यान से देखना, मैं हर एक चीज दिखाने वाला हूँ, हर एक चीज अपने तरीके से। वाहेगुरु सामाजिक दूरी का ख्याल न रखना कानूनी रूप से गलत है और इसके लिए दंड का प्रावधान भी है। सजग रहें, सुरक्षित रहें। जिले में पुत्र जिला द्वारा जल इंडियन फ्लैग ऑन टॉप, कहाँ है वो? लाल किला, लाल किला, रेड फोर्ट, दिल्ली का एक शान, जो अभी गवर्नमेंट के हाथ में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में, जहां पे औरंगजेब का हुकूमत था, जहां पे जबरदस्ती मजहब कन्वर्ट होता था, वो जगह आज गवर्नमेंट के हाथ में। और वहां पे भाई बघेल सिंह जी ने निशान साहेब को लहराया था शान से लड़कर। वाहेगुरु वाहेगुरु। लड़ना भी आता है, कुर्बानियां हुई ना तो लड़ना भी आता है। और एक चीज बता रहा हूं मैं आज, ध्यान से, इंडियन फ्लैग का शुरुआत, जूम करना इंडियन फ्लैग को जो लहरा रहा है शान से, इंडियन फ्लैग के टॉप पे है केसरी, यानी आज भी केसरी ऑन टॉप शान से लहरा रहे, जो केसरी यहां पे भी लहरा रहे, जो निशान साहेब खालसा। मतलब क्या है खालसा? खालसा ये जो बन रहा है ना,
ये जल सेवा किनका? इनके लिए, जो आ नहीं सकते उनका सेवा यहां पे। ये दरबार का पूरा गाइडेंस जो मुझे प्रोवाइड किया गोल्डी जी, पिता समान एडवाइस, एक नॉलेज जब मैं प्राप्त करता हूँ इनसे तो मुझे बोलने का हिम्मत आता है। ये सब मेरे को इतिहास मैं माँ के पेट से नहीं सीखा है, मुझे समझाया गया, मुझे बताया गया कि ये हुआ है। वाहेगुरु सिख हिस्ट्री छोटा नहीं है और इनके लीडरशिप ने बहुत बहुत बड़ा सेवा किया है गुरु के ब्लेसिंग्स के थ्रू। वाहेगुरु वाहेगुरु। एक एक सेवादार ऑन ड्यूटी, छुट्टी कोई नहीं लेता, देखो छुट्टी कोई नहीं लेता। ये हाथ धोए, जहाँ पे गुरु तेग बहादुर जी 9वे गुरु शहीद।
बिछा दे। जब मत्था टेक के आता है ब्लेसिंग्स पावर एनर्जी सब कुछ। यहां से प्रसाद लेके अंदर भेंट करते हैं। निशान साहेब देखो ऑन टॉप केसरी, जहां पे इंसान से लेके जानवर तक वो देखो निशान साहेब को हिला रहा है। हर एक चीज महफूज है यहाँ पे। और कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है दरबार में, लंगर का किचन और जो लंगर हॉल है जो बन रहा है, मेन कंस्ट्रक्ट हो रहा है वाहेगुरु। ये स्पेशल चीज क्यों हो रहा है पता है? ये स्पेशल रौनक क्योंकि नवे गुरु गुरु तेग बहादुर जी का गुरुपुरब 1 मई को, एक रिक्वेस्ट सबसे, 1 मई को सब प्लान कैंसिल करके वाहेगुरु मत्था जरूर देखना, मांग लेना जो मांगना है वाहेगुरु, सब सब मिलेगा उनके थ्रू। और यहाँ पे जो सेवादार लगे हैं जो मैंने देखा है, मैं दिखाने जा रहा हूँ वाहेगुरु। वाहेगुरु श्री अकाल वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। सिरोपा सबसे बड़ा सम्मानित, एक सबसे बड़ा अवार्ड जो पाने के लिए वाहेगुरु ब्लेसिंग्स होता है। एक बड़ों से इनके बेटे समान हूं मैं, एक ब्लेसिंग दिया इन्होंने वाहेगुरु। सिरोपा का मतलब, सिरोपा का रंग केसरी, ऊपर देखो केसरी, सूरज ढलो तो केसरी, सूरज बाहर निकले तो केसरी, केसरी को कोई रोक नहीं सकता। निशान साहेब खालसा वाहेगुरु। कढ़ाई प्रसाद यहां प्रिपेयर होता था, अभी कंस्ट्रक्शन के थ्रू दूसरी और जो बन रहा है। ये आज का किचन नहीं है, यहाँ पे गैस नहीं यूज होता है, यहाँ पे लकड़े से ही बन रहा है। गुरुद्वारा कितने भी बड़ा लेकिन ये है तरीका, तब जाके क्वालिटी और प्रसाद वाहेगुरु। जब चखते ना देसी घी का वाहेगुरु, देखो कंस्ट्रक्शन किचन, ये वो किचन रहेगा जहां पे लाखों के ऊपर, ये चांदनी चौक है यहाँ पे, ये चांदनी चौक है यहाँ पे। अगर कुछ खाना हो तो जेब खाली करना पड़ेगा, लेकिन जिनके पास कुछ नहीं ना, यहाँ पे जो लंगर बनेगा वो उनके पेट में जाएगा। जोरों से काम चल रहा है वाहेगुरु। लंगर हॉल सेवादार यहां पे भी, गुरु का घर का शान लंगर, लंगर हॉल सेवादार लगे सेवा करने। वाहेगुरु वाहेगुरु।
वाइडर, ये सब कुछ, ये सब कुछ करने के लिए एक लीडरशिप चाहिए। अल्टीमेट वहां से क्या डेडिकेशन है, मार्बल कटिंग, एक कैंटीन, कैंटीन में देखो बाबे नानक जी का एक प्यारा सा फोटो, घड़ी के ऊपर खालसा, जस्ट बाजू में एक ओंकार वाइगर, यहां से देखो रौनक निशान साहिब का सोना, निशान साहिब का फ्लो, खालसा वाइगुरु, एक उधर एक उधर, जो उस तरफ है, जो उस तरफ है जहां औरंगजेब बैठता था, वहां कुत्ते भौंक रहे, और यहां यहां कीर्तन और देसी घी से जो दिया का रौनक है वो है ये दरबार के अंदर। वाहेगुरु, यहां संगत एक एक चीज के लिए ढूंढते हैं, वो है मोबाइल चार्जिंग के लिए, तो ये देखो चार्जिंग के लिए कितना है। सेवा, स्पेशल सेवा, गुरु का शान, गुरु का लंगर, दरबार का रौनक, लंगर हॉल, एक चमक देख, एक नूर देख, मेहनत देख, एफर्ट देख, इतने सारे प्लेट को ये टीम वर्क से कैसे परफेक्ट कर रहा है। जिनका कोई नहीं ना, वो ये थाली में लंगर चखते, ना धर्म ना जात, कौन सी जात, ऊंची जात नीची जात, ना धर्म नहीं, रंग रूप नहीं, कोई जेंडर नहीं, इंसान, बस इंसानियत, वो है गुरु का घर का शान, लंगर। यहाँ पे चाय प्रिपेयर हो रहा है, वहां पे दाल है, यहाँ पे प्रसाद है, यहाँ पे चावल है, पनीर, पनीर मटर और प्रसादे, एक माओ की टीम यहां पे सेवा प्रसादे का, एक टीम वर्क, बेलन जिससे मैंने बचपन में बहुत मार खाया मेरी माँ के हाथ से, वो बेलन से आज यहां पे समथिंग वेरी स्पेशल सेवा जो कभी थमने नहीं वाला। कोविड के टाइम पे भी जब दुनिया हिल गई थी ये दरबार चालू था, बाहर लोग लंगर चखते थे, 10,000 प्लस दिन में लंगर जाता था। वाहेगुरु, दिल्ली की शान, दिल्ली पुलिस,
दिल्ली पुलिस फोर्स एवरीथिंग एवरीथिंग इक्वालिटी में अगर एक कॉप लंगर चखेगा ना जिस बाजू में एक छोटा बच्चा भी वही लंगर चखेगा वाई गुरु इक्वालिटी हर एक चीज में और यहाँ पे 200 प्लस कमरे हैं 250 प्लस कमरे हैं जो संगत यहाँ पे आएगा उनके रुकने के लिए और ये सब चीज इनडिसिप्लिन लोग जो है उनके लिए बोर्ड हर जगह पे लगाया दरबार में ऊपर निशान साहेब निशान साहेब नीट एंड क्लीन बहुत मैटर करता है तो नीट एंड क्लीन वॉशरूम तक परफेक्ट है बहुत मैटर करता है ये चीज वाहेगुरु वाहेगुरु ये जेंट्स ये लेडीज यहां एक दरबार जो मेरा फेवरेट दरबार के अंदर गोडाउन जहां पे लंगर का सारा सामान आता है यहां पे ये जगह पे जहां पे एक मां परफेक्शन में देखभाल हर एक चीज की एंट्री तरीके से डिसिप्लिन में होता है ये है आटा चावल सब कुछ है यहाँ पे चने वेजिटेबल्स के सारे ये प्रसादों के लिए वाहेगुरु वाहेगुरु ये है मेरा फेवरेट जो दुनिया लंगर प्रसादे हाथ में लेते ना वो सिर्फ गेहूं नहीं होता उसमें प्योर देसी घी जो पंजाब का शान वीर का घी कितने हैं यहां पे खत्म भी हो जाते जल्दी क्योंकि लंगर उतना जाता है दिन में और ये सेवादार जो सेवा कर रहे हैं वाहेगुरु कितने हैं यहां पे देखो कितना गोनी है आटे का कितने गोनी है ये बासमती चावल वाइट कोई अपनों का चप्पल या जूता नहीं उठाता यहां पे क्या होता है देखो बहुत स्पेशल सीमा यहाँ पे बाहर लाइन नहीं है लेकिन अंदर लाइन है ताकि कोई जोड़ा दे तो वो रखे कितना है यहाँ पे जोड़ा 3300 वो भी फुल हो जाता है लेकिन ये लोग थकते नहीं है देखो लाइन में खड़े आज की तारीख में कोई टिकट के लिए भी लाइन में नहीं खड़ा रहता ऑनलाइन और ये करने की हिम्मत ना कीर्तन सुन के दरबार में ये है प्रॉपर डिसिप्लिन में जाता है कोविड में ना लोग डरते किसी को छूने का या किसी को ये फैलेगा लेकिन ना चप्पल तक देखो कैसे लेके टोकन देंगे टोकन रखेगा और देंगे ये होता है तरीका ये जगह का टोकन नंबर ये रखा टोकन लेके जाएंगे टोकन लेके जा रहे वाइब और एक सेवा और स्पेशल है जो अभी हो नहीं रहा पॉलिश का इतने सारे शू पॉलिश का सेवा
एक जूता पॉलिश करना रेलवे स्टेशन में कितना देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ना बैठ के कितने सारे हाथ से पॉलिश करते, चमक जूता तक चमक के दे चमका के देते। वाइड जो चढ़ नहीं पाएगा ना सीढ़ी से, उनके लिए ये ऊपर लेके जाएगा ताकि उनको चढ़ने के टाइम पे पैरों पे तकलीफ ना हो। वाइड हिस्टोरिकल वेल जहां पे नौवे गुरु गुरु तेग बहादुर जी, वाइगुरु आखिरी बार सुनाते वाइगुरु, और ये वेल आज भी वही नूर वही चमक आज भी है, हिम्मत नहीं हारी वाइगुरु, वही क्वालिटी वही ब्लड चार साहेबजादों में, हिम्मत नहीं हारना मत्था नहीं झुकाना वही क्वालिटी गुरु गोविंद सिंह जी, हिम्मत नहीं हारना वाहेगुरु, इतिहास ऐतिहासिक वेल जिनका अमृत पूरा दरबार में आता है, यही अमृत। जस्ट चमक देखो वाइ, अब जो मैं बोल रहा हूं बहुत ही स्पेशल, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी, वाहेगुरु क्या कमेटी है, जितना बोलूं उतना कम। जिस जगह पे औरंगजेब ने हुकूमत से जबरदस्ती बहुत कुछ किया, ये वही जगह है जहां पे दिल्ली मैनेजमेंट सिख मैनेजमेंट कमेटी क्या कर रहे, अपना सेवा से दुनिया को हिला रहे, सेवा इंसानियत का, सेवा जिनका कोई नहीं उनका। मनजिंदर सिंह सिरसा जी जो प्रधान है ये कमेटी का, वाहेगुरु एक एक बच्चा उनसे सीखता है, हर कोई उनके लीडरशिप में निडर होके सेवा पे निकलता है। क्या टीम वर्क है, क्या एफर्ट है, हर दरबार में कमेटी एक शान होता है, कमेटी एक नूर होता है। अगर कमेटी कमजोर पड़ जाता है तो दरबार थोड़ा सा थम जाता है, वाहेगुरु के ब्लेसिंग के थ्रू ना कमेटी स्ट्रॉन्ग होता है और कमेटी निडर होके करते हैं। ये कमेटी का तरीका देखो कैसा है, ऑनलाइन तरीका, वाहेगुरु बंगला साहब गुरुद्वारा कमेटी, ये फॉर लेडीज जेंट्स का उधर, वाहेगुरु खड़े रहते हैं, वाहेगुरु लीडर होके यहाँ पे जिनको सेवा करना है आटा गेहूं जो सेवा करना है यहाँ पे पर्ची कटा कर पर्ची देते, कुछ लोग गुप्त सेवा करते कुछ लोग पर्ची लेके जाके सेवा करते, वाहेगुरु डोनेशन फॉर लंगर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लंगर पार्टी मत करो, लाखों रुपए खर्चा करके अपना बर्थडे शादी रिसेप्शन ये सब मत करो, ये चीज करो। 1000 भी दे दिया ना बहुत बड़ा पार्टी हो गया वाहेगुरु, क्योंकि वो 1000 से ना 1000 पेट भरा जाएगा और प्यार से और ब्लेसिंग से सब चीज से
एक नूर रहेगा वो लंगर में। ब्लेसिंग्स तीन गुना ज्यादा। वेस्ट मत करो अपना पैसा, ये पार्टी वो पार्टी, आप 10 को पार्टी दो, अनलिमिटेड खिलाओ, पूरे वक्त में वो 10 आदमी नहीं दिखेंगे, लेकिन इनका ब्लेसिंग्स मरते दम तक रहेगा। वाइट क्यों उनको बोले जिन्होंने पूरा सब कुछ दिया। मैसेज एक स्पेशल चीज सेवा यहां पे है, समथिंग वेरी स्पेशल। लाइब्रेरी लाइब्रेरी यहां पे शांति से बैठ के, अब मैं चिल्ला रहा हूं क्योंकि यहां पे कोई नहीं है, शांति से बैठ के पढ़ सकते हैं सिख इतिहास, बहुत बड़ा है। ओह माय गॉड, बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी, मत्ता नहीं टेका, जबरदस्ती कन्वर्ट नहीं हो पाए। क्यों? हिम्मत नहीं हारा ना। किनसे सीखा? गुरु तेग बहादुर जी दादे से। वाहेगुरु, हिम्मत नहीं हारना है। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। चिल्ड्रंस डे क्या होता है? ये होता है, चिल्ड्रन नहीं थे कभी। वाहेगुरु बाबा फतेह सिंह जी। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। बड़े सोड़ी हाल किधर, कहा सब बड़े 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 मुगल लोग थे ना, जिनकी सोच गंदा नियत, उनके सामने निडर होके बोलने का हिम्मत दोनों में, ये क्वालिटी सिखा किन से? ये एक बेटा अपने पिता से सीखता है, तो वो पिता का नूर देखो चेहरे पे, नूर देखो। दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। 9 साल की उम्र में अपने पिता का वाहेगुरु सर हाथ में। वाहेगुरु, ये कौम ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारता, जोश में सेवा करते, सेवा के थ्रू दिल जीतते, अपने लिए नहीं लड़ा, अपने लिए कभी नहीं लड़ा। वाहेगुरु। और एक माँ यहां पे जो सेवा कर रही है, हर एक पाठ का सेवा है यहां पे, पेपर तक है, हर दिन का अपना अपना पेपर है यहां पे, टाइम्स ऑफ इंडिया से लेके डीएनए सब कुछ है यहां पे, हर चीज का ध्यान यहां पे परफेक्शन में है। वाहेगुरु। खालसा का शान क्या? 5 शान। वाहेगुरु, आते ही इन्होंने ये दिया, कृपान, केश, कंगा, कड़े। वाहेगुरु, सब कुछ यहां पे है। वाहेगुरु, पहले देखो, दिखाओ सबसे बड़ा वाला एक कृपान। ये क्यों है हाथ में? खालसा के हाथ में नूर ये क्यों है? ताकि जब कोई अपराध होता है, गलत दिखता है, तब ये निकलता है बाहर। जब कुछ गलत होता है तब ये बाहर निकलता है। ये कोई गलत चीज के लिए नहीं निकलता, ये सिर्फ इज्जत के लिए निकलता है, अपनी और दुनिया की इज्जत के लिए निकलता है। जमीर तब मरता है जब आग के सामने कुछ गलत दिख रहा है लेकिन हम कुछ नहीं करते, वो मौत है, वो मौत है। तुम मर गए उधर, तुम जी के कोई मतलब नहीं है। वाहेगुरु।
जब जब मैं आसमान में दिखता हूं एक नूर दशमेश पिता का मैसेज महसूस करता हूं मैं इनके थ्रू वाई ऐसे शान से ये वो जगह है जहां पे जिसको कुछ नहीं मालूम, जैसे कि फॉरेनर लोग जब आते हैं यहां पे दिल्ली में, क्योंकि फॉरेनर्स लोग बहुत आते हैं क्योंकि दिल्ली कैपिटल है इंडिया का, यहां पे बहुत लोग आते हैं जब यहां पे बैठते, तो उनको गाइड करने के लिए भी एक सेवादार है जिनका नाम है बेदी। वाहेगुरु बेदी जी सेवा जो कर रहे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेवा है, अगर कोई लाइब्रेरी में है तो कोई यहां है, तो कोई यहां है तो कोई लंगर सेवा में, कोई लंगर सेवा में, तो कोई जूते के सेवा में, हर चीज एकदम डिसिप्लिन में, क्या नीट एंड क्लीन है देखो यहां पर सब चीज। ये सब चीज करने के लिए कमिटी का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। कमिटी अगर लड़खड़ाई तो ये सब कुछ नहीं होने वाला है। वाई अब जो मैं दिखाने जा रहा हूं, मारुति से मर्सिडीज तक लोग पहुंच गए ये चीज चलाते चलाते। फ्री चेकअप यहां पे ड्रेसिंग और इंजेक्शन, यहां पे ड्रेसिंग एक मां कर रही है, तो यहां पे सेवा। ये लोग तभी भी चुप नहीं थे जब कोविड ने हिला दिया था। वाहेगुरु ये मैसेज देखो क्या है, स्पेशली ये मैसेज देखो क्या है, समझो सुधरो टाइम है। सेवा बहुत स्पेशल सेवा है ये। यहां पे डॉक्टर आके बैठता है तो ये सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, यहां पे ये सब करने का ब्लेसिंग कहां से मिल रहा है? गुरु गोविंद सिंह वाहेगुरु वाहेगुरु। ये है रिसेप्शन यानी यहां पे आते सब। ये लिखे देखो गुरु तेग बहादुर जी डिस्पेंसरी 70 रुपीज ओनली, सिर्फ 70 रुपए। 70 रुपए में आजकल ना कुछ नहीं मिलता, 70 रुपए में सब देखो 10 रुपीज पर स्लिप, 10 रुपीज पर स्लिप, 50 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपीज ये देखो 30-20 पर स्लिप। ये है गुरुद्वारा शीशगंज साहिब डिस्पेंसरी चांदनी चौक। इमेजिन करो कि अगर हर दरबार में अगर ये डिस्पेंसरी खुल गया तो हॉस्पिटलों का क्या। वाहेगुरु जरूरी है दरबार का, जरूरी है दरबार का नूर हर जगह पे रहे। वाहेगुरु वाहेगुरु ब्लेसिंग्स है ना इनका। वाहेगुरु इनका सेवा देखो लिखते हैं, ये भी एक सेवा है, ड्यूटी कर रहे दरबार का, दरबार का नूर एक ये भी है, इनका मेहनत इनका एफर्ट। वाहेगुरु वुमेन पावर बहुत मैटर करता है। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। डेंटल ओपीडी स्टार्टिंग सून, जब आदमी का दांत दर्द करता है, इंसान का दांत दर्द करता है ना, वो पूरा अपना जेब दे देगा, मेरे को इसका दर्द से छुटकारा चाहिए, उसका भी सेवा सोचा है। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी हैड्स ऑफ सिखों का प्राउडनेस, सिखों का शान। वाहेगुरु वाहेगुरु। इनके वीडियोस यहां से ना
फायर सेफ्टी के लिए। ये देखो डेंटल ओपीडी स्टार्टिंग सून। यार ये मतलब होता है खालसे का, ये मतलब होता है खालसे का। खालसा केयर सर्विंग ह्यूमैनिटी सिंस 1469। ये है मतलब खालसे का मीनिंग। वीडियो बनाता हूं ना ये मतलब के लिए बनाता हूं, क्योंकि करते ना कुछ तो जो कर रहा है वो दिखा रहा हूं। वाहेगुरु वाइटल डेंटल फैमिली डेंटल डेंटल के अंदर वाहेगुरु। कार सेवा रोल कार सेवा के वाहेगुरु। पूरा कंस्ट्रक्शन जो लंगर का हो रहा है, जो परफेक्ट हो रहा है, डन बाय कार सेवा। आज से नहीं, कई सालों से कार सेवा का रोल बहुत है, क्योंकि उसमें वो नाम में भी सेवा जुड़ा है। वाहेगुरु आईडी प्रूफ देना है और कमरा मिल जाएगा। कमरे का रेट देखो 100 से लेके 750 आज की तारीख में, जस्ट 750। वाइट वो देखो, जब भी याद करता हूँ ऊपर आसमान में देखो कौन है। एक बाज जो शान से उड़ रहा है, और ऊपर भी देखो निशान साहिब के ऊपर भी उड़ रहा है। एक नहीं वो भी दो, और निशान साहिब का जस्ट चमक और नूर को देखो। ये है दरबार का रौनक, दरबार का चमक। दरबार दरबार में अव्वल नंबर पे गुरु ग्रंथ साहिब। वाहेगुरु। सेकंड दूर से दिख जाता है ये निशान साहिब का मतलब। निशान साहिब का मतलब ये, किसी को अगर न्याय नहीं, कोई लेडी परेशान है या कोई आदमी परेशान है, जेब में कुछ नहीं, पेट लगी, भूख लगी, खाना चाहिए, तो वो निशान साहिब को ढूंढेगा, आएगा। और मेन तीसरा चमक दरबार का, सेवादार जो दरबार के शान, ज्ञानी जी, कमिटी। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही स्पेशल था। वाहेगुरु सब कुछ रब करवाता है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।